कला केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम धागे की थालपोश बना रहे हैं, तो इसी का वीडियो हम दिखाएंगे आगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, धागा को हम उंगली में इस तरह से लपेट लेंगे और पहला चेन बनाएंगे। तो इस तरह से हम 6 चेन बना लेंगे। 6 चेन बना के इसको, तो देखिए इस तरह से हम 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बन गया है, तो इसको अब हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, पहला वाला चेन में इस तरह से डाल के एक फंदा निकालेंगे और दूसरे फंदे के साथ उसको बीन लेंगे। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे मतलब धागा पतला होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमको इसको यहाँ पे एक दूसरे को ज्वाइंट कर लेना है। फिर हमको यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और 12 डबल क्रोशिया हमको बनाना है। तो एक जो 3 चेन बनाया है ना, तो वो भी एक डबल क्रोशिया ही गिनती होगा। तो इस तरह से हमको 12 डबल क्रोशिया बनाना है इसके अंदर। ये जो 6 चेन का गोल बनाया है ना, इसके अंदर हमको 12 डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम 12 डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे। और ये 12 डबल क्रोशिया होने के बाद जो पहला डबल क्रोशिया बनाए थे चेन वाला, उसके साथ इसको हम जोड़ लेंगे। अब देखिए, यहाँ जोड़ने के बाद ये पीछे जो धागा है ना, इसको काट के हटा देते हैं। उसके बाद अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। फिर अब यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन इसलिए कि 3 जो चेन होगा ना, वो डबल क्रोशिया का गिनती होगा, और जो 2 चेन होगा वो हमको 2 चेन हर डबल क्रोशिया के बाद बनाना है। इसलिए तो 5 चेन बनाने के बाद, तो हर एक जो चेन है ना डबल क्रोशिया का, उसमें डाल के हमको 12 डबल क्रोशिया बनाना है। बीच में 2-2 चेन डालना है। तो देखिए, एक वो गिनती होगा चेन वाला, और ये 2 हो गया। तो फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमको 12 डबल क्रोशिया और 2 चेन हर बार बनाना है। तो इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो देखिए, 12 डबल क्रोशिया हो चुका, और 2 चेन फिर से बना के यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए, इसको जोड़ दिए हैं। फिर यहाँ पे देखिए, जो ये डबल क्रोशिया है ना, तो इसके बगल में हमको बनाना है 3 डबल क्रोशिया। तो देखिए, एक चेन लेके यहाँ पे इसको हम बंद कर दिए, फिर 3 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया फिर बनाए, तो 3 डबल क्रोशिया हो गया।
चेन वाला मिला के, फिर अब हम दो यहाँ पे चेन बनाएंगे और फिर से दूसरा वाला डबल क्रोशिया के बगल से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये तीन डबल क्रोशिया हम बना लिए, देखिए हो गया। अभी फिर से हम दो चेन बनाएंगे और इसी तरह से जो हम 12 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो ये 12 मतलब जगह पे हर डबल क्रोशिया के साइड में हम तीन तीन डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और दो दो चेन बीच में डालेंगे। तो इस तरह से हमको पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए ये लास्ट वाला भी हम बना लिए और दो चेन बना के फिर यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ से एक निकालेंगे फंदा और दूसरा फंदा से इसको निकाल के एक बना लेंगे फंदा। अब देखिए एक जो डबल क्रोशिया है ना उसको हमको छोड़ देना है, तो वहाँ उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ से एक फंदा निकालेंगे और दूसरे फंदा पे आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से निकाल के इसको भी इस फंदा से निकाल के यहाँ आ गए। तो अब दो जो डबल क्रोशिया है, तीन था तो एक को छोड़ देना है और दूसरा डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया बनाए, जैसे चेन बनाए तीन तो एक डबल क्रोशिया हो गया और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और जो साइड में फिर दो डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। इसको हर बार हमको ये बढ़ेगा, तो ये दो दो डबल क्रोशिया हर बार इसके साइड में बनेगा। तो फिर अब दो बना लिए तो देखिए अब चार हो गया डबल क्रोशिया और दो चेन बनाएंगे, फिर एक छोड़ देंगे ये वाला और इसके बाद वाला में फिर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में भी बनाएंगे, फिर बाद वाले जो चेन वाला है उसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो है ना पहले तीन एक था तो हम तीन किए, फिर उसके बाद चार हो गया, तो अब जो इसके ऊपर आएगा ना तो उसमें पांच हो जाएगा। तो इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो एक को छोड़ देना है हर बार, इस साइड से घटाना है एक और दूसरे साइड में दो बढ़ाना है, तो कुल मिला के एक ही बढ़ेगा लेकिन एक साइड से जो घट रहा है ना वो इधर आके एडजस्ट हो रहा है। तो ये तीन हो गया जो तीन था और ये एक और बनाए तो चार हो गया। तो इस तरह से हमको दो दो बनाना है साइड में, इस तरह से हमको पूरा बना लेना है। देखिए ये पूरा हो गया, तो फिर से दो चेन बना के यहाँ पे हम जोड़ लेंगे और इसको फंदा को निकाल लेंगे, फिर एक हमको छोड़ देना है शुरुआत में। तो यहाँ से देखिए एक हम निकाल के फिर से एक स्टिच को कम कर लेंगे, फिर दूसरा से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से निकाल के उसके बाद देखिए अब तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये चेन वाला भी एक डबल क्रोशिया है, इसको याद रखना है। और अब देखिए दो डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर साइड से दो बनाएंगे, तो ये पांच डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो इसी तरह से हर बार हमको ऊपर जितना आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है तो उस अनुसार आपको ये डबल क्रोशिया को बढ़ाना है, जितना चाहे आप बना सकते हैं। तो हम बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, हम इस तरह से बढ़ाते हुए 10 से 11 तक ही जाएंगे, उसके बाद फिर हम घटाएंगे। तो देखिए इसी तरह से आपको भी पूरा बनाना है और ये बहुत ही सुंदर बनेगा। तो देखिए फिर से यहाँ पे हमको डबल क्रोशिया पांच बनाना है टोटल। तो ये देखिए तीसरा वाला में भी बन गया, तो तीन हो गया और साइड में फिर बनाएंगे दो डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमको बढ़ाते बढ़ाते लेके जाना है ऊपर तक।
फिर से दो चैन, फिर एक छोड़ के दूसरा से डबल क्रोशिया शुरू करेंगे। फिर दो बनाएंगे साइड में, तो ऐसे ही हमको पूरा बनाना है। तो लास्ट तक बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो देखिए हम ये पूरा तैयार कर लिए हैं। तो हम 10 तक बनाए हैं, 10 बना के इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम घटाएंगे इसको। तो हमारा 10 डबल क्रोशिया हो चुका है ये ऊपर। अब हम इसको घटाना शुरू करेंगे। अभी तो देखिए इसको बंद कर लिए हैं। यहाँ एक को छोड़ दिए, एक डबल क्रोशिया को, और फिर तीन चैन बनाए। फिर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हम इस साइड भी एक को छोड़ दिए हैं, एक डबल क्रोशिया को। तो अब 9 हो चुका है ये। तो देखिए अब क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया कम कर दिए हैं। अब 4 चेन बनाएंगे और बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, सॉरी, सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे यहाँ पे। तो फिर से 4 चेन बनाएंगे। फिर इस यहाँ से हम शुरू करेंगे और 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक छोड़ देना है शुरुआत में। तो 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अब हम 4 चैन बनाएंगे डबल क्रोशिया बनाने के बाद। तो अब हम 4 चैन बनाते हैं और फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना के फिर 4 चैन बनाएंगे। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के फिर यहीं से चेन बनाएंगे 3, और फिर इसको डबल क्रोशिया फिर यहाँ पे बनाएंगे। ये चेन जो 3 बनाए नहीं, ये भी डबल क्रोशिया है। हम हर बार बता रहे हैं कि ये जो 3 बना रहे हैं ना चेन, ये डबल क्रोशिया ही गिनती होगा। तो बस अब हमको एक एक घटाना है और ये 4। तो देखिए इस तरह से हम ये घटा के और बीच में 4 चेन और एक सिंगल क्रोशिया बना के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ से घटाना शुरू किए।
और ये घट के दो डबल क्रोशिया पे आ गया, तो अब हमको नहीं घटाना है, ठीक है। और इस पे अब हम क्या करेंगे कि इसको प्लेन बनाएंगे। अब तो दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट कर लिए हैं, उसके बाद अब यहाँ से फिर से हम शुरू करते हैं बनाना। तो जो दो डबल क्रोशिया है ना, उसके ऊपर दो डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया बना लिए हैं, देखिए एक बनाए चेन और एक डबल क्रोशिया बनाए, चेन तीन बनाए थे तो वो भी डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए ये जो चार चेन वाला बनाए थे ना, उसमें हमको पांच पांच डबल क्रोशिया बनाना है उसके अंदर, तो पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो दूसरा वाला चार चेन है ना, उसके अंदर भी हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे और हर एक चेन के अंदर हम पांच पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें भी हम पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमको इसी तरह से पूरा पांच पांच डबल क्रोशिया बना के पूरा एकदम से गोलाई में यहाँ तक आना है, और फिर इसके ऊपर जितना डबल क्रोशिया है ना, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक और डबल क्रोशिया एक लाइन और बनाएंगे। तो दो लाइन हम बना लेते हैं इस तरह से, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये पूरा बन के तैयार हो चुका है, तो हम दो लाइन डबल क्रोशिया बना लिए हैं। पहले पांच पांच डबल क्रोशिया बनाए थे और जो पांच डबल क्रोशिया था ना, उसके ऊपर एक एक, मतलब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के एक लाइन और कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इतना ही बनाएंगे और इसको हम जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर आपको इसके ऊपर और कुछ बनाना है तो आप इसमें झालर लगा सकते हैं, कोई बॉर्डर बना सकते हैं और जैसा चाहे बना सकते हैं। तो हम इतना ही बनाना था हमको, तो हम इतना ही बना के इसको अब हम जोड़ के बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक के ऊपर दूसरा लाइन भी बना लिए हैं और इसको एक दो लाइन और बढ़ा सकते हैं अगर बड़ा बनाना है तो, लेकिन हम इतना ही बना रहे हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।